पैदाइशी हुनर क्या है आप लोग पता करते हैं। हम लोग फिंगरप्रिंट्स के बेसिस पे किस तरह के हुनर लेके उनके बिहेवियर के बारे में पता चलता है। ये किस पर आधारित है विज्ञान? ये साइंस बेसिकली जो है ये एक तरह का एक्सटेंशन है हस्त मुद्रिका शास्त्र का। जब ब्रेन डेवलपमेंट शुरू होता है उसके साथ साथ में हमारे ये फिंगरप्रिंट्स डेवलप होने शुरू होते हैं और ये एक ऐसी आइडेंटिटी है हमारी जो जिंदगी भर हमारे साथ में एज इट इज रहती है। जो रिपोर्ट जनरेट होती है उससे कैसे पता चलता है कि आगे जाकर ये इंसान ऐसा बनने वाला है? रिपोर्ट के अंदर बहुत अलग अलग तरह के पैरामीटर्स होते हैं, बहुत अलग अलग तरह की थ्योरीज होती हैं जिसके बेसिस पे हम लोग ये पूरा एनालिसिस करते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच हैं CFMID लिमिटेड के डायरेक्टर आनंद शर्मा जी। आनंद शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आनंद जी, आज हम बात करेंगे कि कोई जब कोई बच्चा पैदा होता है या किसी में पैदाइशी हुनर क्या है उसके बारे में बात करेंगे। वो पता चलता है फिंगरप्रिंट से, आप लोग पता करते हैं, तो इसी बारे में हम आज बात करेंगे। इसको और क्या कहते हैं? मैम, ये साइंस को बेसिकली डर्मेटोग्लिफिक्स के नाम से जाना जाता है और ये एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही डिफरेंट तरह की स्टडी है जिसमें हम लोग फिंगरप्रिंट्स के बेसिस पे हम किसी की भी जेनेटिक कोडिंग को समझ पाते हैं। हम ये समझ पाते हैं कि वो व्यक्ति किस तरह के हुनर लेके, किस तरह के एट्रीब्यूट्स लेके पैदा हुआ है, उनके जो अलग अलग इंटेलिजेंसेज हैं, जो उनके अलग अलग लर्निंग प्रेफरेंसेज हैं, उनके कम्युनिकेशन प्रेफरेंसेज हैं, ये सारी चीजों के बारे में हमें पता चलता है, उनके बिहेवियर के बारे में पता चलता है, ताकि हम किसी को भी गाइड कर सकें कि वो अपनी इन सारी क्षमताओं को बेहतर तरीके से समझ कर कैसे प्रॉपर अपने लिए काम कर सकते हैं और कैसे अपने आगे करियर में फायदा उठा। ये किस पर आधारित है विज्ञान, कैसे काम करता है ये? जी, ये साइंस बेसिकली जो है ये एक तरह का एक्सटेंशन है हस्त मुद्रिका शास्त्र का। हमारे वेदों में एक हस्त मुद्रिका शास्त्र करके भी एक एक चैप्टर है जिसके अंदर इसके बारे में बताया गया है। उसके अंदर से फिर एस्ट्रोलॉजी, फार्मेसी, इस तरह के अलग अलग सब्जेक्ट निकल कर आते हैं। ये एक और एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो कि टिपिकली सिर्फ और सिर्फ फिंगरप्रिंट के बारे में बात करता है, मुद्रा के बारे में बात करता है, राइट? तो डर्मेटोग्लिफिक्स जो मैंने नाम बताया, वो डर्मेटोग्लिफिक्स का मतलब होता है डर्मा मतलब स्किन और ग्लिफ मतलब रिजेस, जो हमारे फिंगरप्रिंट्स के बीच में जो लाइंस बनी होती हैं उसमें जो रिजेस बने होते हैं उनको ग्लिफ कहा जाता है। हम जब गर्भ में होते हैं तब हमारा जब ब्रेन डेवलपमेंट शुरू होता है उसके साथ साथ में हमारे ये फिंगरप्रिंट्स डेवलप होने शुरू होते हैं और ये एक ऐसी आइडेंटिटी है हमारी जो जिंदगी भर हमारे साथ में एज इट इज रहती है, राइट? और हमारे जो 10 ब्रेन लोब्स हैं, बेसिकली हमारे मेन 5 लोब हैं लेकिन 5 राइट में हैं और 5 लेफ्ट में हैं, तो हमारे जो ओवरऑल ब्रेन लोब्स हैं वो है 10 लोब्स और उन 10 लोब्स का रिलेशन है हमारी 10 फिंगर्स के साथ, राइट? और हर फिंगर का एक अलग अलग प्रॉपर्टी है, अलग अलग एक एट्रीब्यूट है जिसके हिसाब से इनको डिफाइन किया गया है और उसके बेसिस पे जो है हम लोग ये पूरा एनालिसिस करते हैं। और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत सारे रिसर्चर्स ने जिस पे पेपर लिखे हैं, जिसके ऊपर बहुत सारे उस पे काम हुआ है, तो हम सारी थ्योरीज को लेके, उस पूरी अंडरस्टैंडिंग को लेके हम लोगों ने इसका एक ये लॉजिक क्रिएट किया है जिसके बेसिस पे हम इस रिपोर्ट को हम निकाल पाते हैं और हम ये हेल्प कर पाते हैं। फिंगरप्रिंट्स कैसे लिया जाता है और उनसे कैसे पता चलता है कि आगे जाकर के वो इंसान क्या बनने वाला है? बेसिकली हम लोग एक डिवाइस यूज करते हैं जिसमें हम लोग फिंगरप्रिंट्स को स्कैन करते हैं, जैसे कि नॉर्मली आप जैसे आधार कार्ड का अगर आप स्कैन कराने जाते हैं या कुछ करते हैं तो उसमें आपके नॉर्मली स्कैन किए जाते हैं, तो उसी तरह का हमारा एक स्पेसिफिक डिवाइस होता है जिसके अंदर हम और डिटेल में फिंगरप्रिंट को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। फिर जब हम फिंगरप्रिंट्स ले लेते हैं तो हमारी बैकएंड टीम जो होती है वो उसको प्रोसेस करती है, वो एक एक फिंगरप्रिंट को समझकर उसके एक उसके फिगर्स, उसकी वैल्यूज जो होती हैं हम उसको यूटिलाइज करते हैं और उसके बेसिस पे हमारा सिस्टम उस पूरे रिपोर्ट को जो है जनरेट करता है। और ये एक बड़ा ही टेक्निकली और साइकोलॉजिकली ये बहुत ही एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम लोग बायोमेट्रिक्स और साइकोमेट्री, हम इन दोनों को साथ में लेकर चलते हैं और उसके बेसिस पे हम ये सारी चीजें बता पाते हैं। जो रिपोर्ट जनरेट होती है उससे कैसे पता चलता है कि आगे जाकर ये इंसान ऐसा बनने वाला है? इसमें जैसे कि मैंने बताया कि इस रिपोर्ट के अंदर बहुत अलग अलग तरह के पैरामीटर्स होते हैं, बहुत अलग अलग तरह की थ्योरीज होती हैं जिसके बेसिस पे हम लोग ये पूरा एनालिसिस करते हैं। तो पहला स्टेप होता है कि आप अपने स्कैन्स देते हैं,
दूसरा स्टेप होता है कि आपके वो स्कैन हमारी टीम के पास में जाते हैं, उनकी एनालिसिस होती है और उसकी रिपोर्ट बनाई जाती है। और तीसरा स्टेप होता है जिसमें आप वो रिपोर्ट बनने के बाद में हमारे जो एक्सपर्ट हैं, जो हमारे काउंसलिंग कंसल्टेशन एक्सपर्ट हैं, काउंसलिंग एक्सपर्ट्स हैं, वो उस रिपोर्ट के बेसिस पे आपके एनालिसिस करते हैं और आपको कंसल्टेशन देते हैं कि वो क्या रिपोर्ट क्या बता रही है आपके बारे में, किस तरह की वैल्यूज हैं, आपके कौन से एरिया ज्यादा डोमिनेंट या ज्यादा स्ट्रांग है, कौन से एरियाज ऐसे हैं जो थोड़े कम स्ट्रांग हैं, तो उस पे यू नो क्या क्या काम करा जा सकता है, कैसे हम उस पे आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हम काउंसलिंग के दौरान उस व्यक्ति को बताते हैं और उसके अंदर हम इस हद तक जाते हैं आगे जाके ये बताने के लिए कि वो व्यक्ति अगर एक पर्टिकुलर तरीके से डिजाइंड है तो वो किस तरह की फील्ड में सबसे बेहतर परफॉर्म कर सकता है। देखिए सक्सेस का लेना देना इससे होता है कि आप अपनी क्षमताओं के मुताबिक कितना बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं आप एक किसी गलत फील्ड में हैं, आप कहीं ना कहीं किसी दूसरी फील्ड में जहां पे आपकी वो क्षमताएं पूरे तरीके से उभर कर बाहर नहीं आ रही। तो ये बहुत बहुत जरूरी चीज है कि हम अपनी क्षमताओं के मुताबिक अगर अपना करियर सेलेक्ट करते हैं तो सक्सेस मिलना गारंटीड है, क्योंकि वो एक ऐसा प्रोफेशन बन जाता है जिसको आप बिना थके, बिना हारे, बिना परेशान हुए किसी भी समय अच्छे से करके दिखा सकते हैं। तो वो आपको काम नहीं लगता, वो आपके लिए एक आपका बिहेवियर बन जाता है, इस वजह से वो इतना आपके लिए सक्सेस लेके आता है। ये जो साइंस है क्या वो किसी भी उम्र से शुरू कर सकते हैं या किस एक पर्टिकुलर एज के बाद में फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं उसके बाद पता चलता है, और किस उम्र तक लिए जा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है मैम। ये बेसिकली जैसे कि मैंने बताया कि फिंगरप्रिंट, सबसे पहली चीज ये बताना चाहूंगा कि फिंगरप्रिंट्स आपके वो आइडेंटिटी है जो जिंदगी भर बदलती नहीं है। आपकी हस्तरेखाएं बदल जाती हैं लेकिन आपके फिंगरप्रिंट्स नहीं बदलते हैं। तो आप अगर ये फिंगरप्रिंट आप एक किसी बच्चे के पैदा होते ही पहले हफ्ते में अगर आप ले लेते हैं और उसको इसी के फिंगरप्रिंट्स आप 80-90 साल के बाद में भी लेते हैं तो वह एग्जैक्टली सेम रिपोर्ट ही जनरेट करेगा, नंबर वन ये। दूसरी चीज कि हम एक्सपेरिमेंटल तौर पे डेफिनेटली बिल्कुल 8-10 दिन के बच्चे के भी फिंगरप्रिंट्स लिए गए हैं, लेकिन हम इसलिए उस चीज को प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि बच्चों की उंगलियां बहुत नाजुक होती हैं, तो उस समय में बच्चों को फिंगरप्रिंट्स लेना उनका बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम कम से कम 2-3 साल की उम्र बताते हैं कि आप कम से कम 2-3 साल की उम्र तक आप यू नो आप करवाएं इसको, और उसके बाद में फिर आपको चाहिए तो आप एक बार आगे जब बच्चा 10-12 साल का हो जाए तो आप उसी रिपोर्ट से फिर से कंसल्टेशन करा, राइट। तो उससे क्या होता है कि आप जो आपने जो पहचाना था और उसके बेसिस पे आपने क्या काम किया, आपने कैसे बच्चे को तैयार किया, आपने किस तरह की उनको फीड दी, एजुकेशन दी, और उसके बेसिस पे फिर आप आगे चल के 10-12 साल की उम्र में फिर से एक बार अगर कंसल्टेशन कराते हैं तो बच्चे को आगे करियर सेलेक्ट करने में, सब्जेक्ट सेलेक्ट करने में, कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहिए, किस तरह के यू नो एजुकेशन में उसको आगे बढ़ना चाहिए, वो सारी चीजें हम और डिटेल में बता पाते हैं लोगों को। तो इसकी 2 साल से लेके 80 साल, 90 साल, 100 साल कोई ही लिमिट नहीं है। आप जिस भी उम्र में आप इसको कराना चाहें और आपकी इच्छा है कि आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आप कुछ चेंज लाना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट टूल। मैं अगर एक अच्छा एग्जाम्पल देके आपको समझाना चाहूं, अगर आप अपने घर में वॉशिंग मशीन खरीद के लाते हैं, आपको वॉशिंग मशीन के साथ में अगर कोई मैनुअल ना मिले, आपको कोई डेमोंस्ट्रेशन ना मिले, आपको कोई व्यक्ति ये ना बताए कि इसको चलाना कैसे है, तो आप क्या करेंगे? आप घर पे लाके उस मशीन के साथ में 3-4 बार 10 बार कम से कम आप गलत तरीके से कपड़े को धोने की कोशिश करेंगे, आप परेशान हो जाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसकी क्षमता क्या है मशीन की और उसको बेस्ट इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन अगर मैं आपको एक मैनुअल दे दूं जिसमें स्टेप बाय स्टेप ये लिखा हो कि भाई आप स्टेप 1 ऐसा करें, स्टेप 2 ऐसा करें, स्टेप 3 ऐसा करें, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाता है सरलता से कि आप कैसे उसको बेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारी भी जिंदगी के साथ में इसी तरह की चीजें जुड़ी होती हैं कि अगर हमें अपने बारे में जानने का अगर कोई मौका मिलता है तो क्या हम आज जानना चाहेंगे या हम 10-15 साल 20 साल बाद जानना चाहेंगे जब हमने अपनी अच्छी जिंदगी बिता ली हो ऑलरेडी। ये अपने व्यवसाय को या अपने लाइफ को कैसे आगे बढ़ाने में सहायक होती है? जी जैसे अगर आप एक जॉब कर रहे हैं या आप एक किसी बिजनेस में हैं, आप इस तरह की किसी भी फील्ड में हैं, तो अल्टीमेटली आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप सक्सेस पाना चाहते हैं, और सक्सेस का सीधा सीधा लेना देना है आपकी अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस से कि आप कितना बेहतर उस फील्ड के अंदर परफॉर्म करके दिखा पाते हैं। और परफॉर्मेंस का सीधा सीधा लेना देना है अपनी एक्चुअल पोटेंशियल से रूबरू होना,
अगर हमें अपनी सही पोटेंशियल पता है, हमें अपने सही हुनर पता है, हमें अपने स्किल्स पता है, अगर मैं एक अच्छा पब्लिक स्पीकर हूँ, या मैं एक अच्छा सिंगर हूँ, या मैं एक अच्छा डांसर हूँ, मैं अच्छा राइटर हूँ, मुझे अगर ये पता चल जाए तो मैं शायद उस फील्ड में अपने आप को बेस्ट तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ। और इसके पीछे फिर और भी बहुत सारे फैक्टर्स जुड़े होते हैं जो कि हम रिपोर्ट में बताते हैं, जैसे कि मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया कि बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं, लर्निंग प्रेफरेंसेस होती हैं। लर्निंग प्रेफरेंसेस एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। हम लोग बेसिकली प्राइमरीली तीन तरह के लर्नर टाइप्स होते हैं, विजुअल लर्नर्स, ऑडिटरी लर्नर्स और काइनेस्थेटिक लर्नर्स। तो विजुअल लर्नर्स वो होते हैं जो देखकर सीखते हैं चीजों को, जिनको अगर आप दिखाएंगे नहीं तो वो कभी सीखेंगे नहीं। दूसरे होते हैं ऑडिटरी लर्नर्स, उनको आप अगर बोल के नहीं सिखाएंगे तो आप उनको कभी नहीं सिखा सकते। आप उनको किताब पकड़ा देंगे और उनको बोलेंगे पढ़ने की कोशिश करो, वो शायद नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं लगेगा, राइट? तो वो होते हैं ऑडिटरी लर्नर्स। तीसरे लर्नर्स होते हैं काइनेस्थेटिक लर्नर्स, जो करके सीखना पसंद करते हैं। आपने कर दिया उसके बाद में वो खुद करना चाहेगा, राइट? तो अगर आप स्कूल में देखते होंगे कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो नोट्स लिखते हैं अपने लिए, जो टीचर बोल रही है वो बोलते भी रहते हैं, रिपीट भी करते हैं और नोट्स भी लिखते हैं। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनको काइनेस्थेटिक लर्नर्स बोला जाता है। तो ये अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है हर व्यक्ति की, ये तीनों में मौजूद होती है, ये तीनों हर व्यक्ति में मौजूद होती है, लेकिन इसके अंदर एक ऐसी डोमिनेंट हमारी प्रेफरेंस होती है जो हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कोई भी चीज को सीखने समझने में। तो अगर हमें ये चीजें पता चल जाए तो ऑटोमेटिकली हमारा लर्निंग ग्राफ, जो हम समझ सीखने समझने स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, किसी भी काम करने जाते हैं, तो आपकी लर्निंग, रीडिंग, राइटिंग, ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग, सारी चीजें बहुत बड़े पैमाने पे बदल जाती हैं और आप एक बेहतर परफॉर्मर बन पाते हैं। क्या इससे ये पता चल जाता है कि बड़ा होके ये इंसान क्या बनेगा? क्लियरली पता चल जाता है। जी बिल्कुल। और इसकी अगर देखिए, जीवन में कोई भी चीज 100% नहीं होती, तो हम इस चीज को एक ऑनेस्टी के साथ में 99.9% पे हम इसको एक्यूरेसी इसकी हम मानते हैं, और 1% का चांस तो ऑब्वियसली हर चीज में वेरिएशन या डिविएशन के चांसेस बने होते हैं। लेकिन व्हाई वी से दिस, क्योंकि आप अगर एक आईटी इंजीनियर बनना चाहते हैं, अब आप आईटी इंजीनियर भी हार्डवेयर के बनना चाहते हैं या सॉफ्टवेयर के बनना चाहते हैं, हम उस डिटेल तक ले जाके हम आपके आपको बताते हैं कि आप कौन सी फील्ड के लिए ज्यादा बेहतर है। अब एक आईटी इंजीनियर अगर सॉफ्टवेयर की फील्ड में जाता है तो उसके लिए कोडिंग करना, लैंग्वेज के साथ में काम करना, ये सारी चीजों के ऊपर उसकी उसका हुनर अच्छा होना जरूरी है। अगर उसकी वो कैपेबिलिटी नहीं है तो वो हमेशा परेशान होगा और उसको हर चीज बहुत मुश्किल लगेगी, राइट? तो अगर कोई इसी तरह से हार्डवेयर के उसमें जाना चाहता है तो उसका काइनेस्थेटिक लर्नर होना जरूरी है, ताकि वो हाथ से चीजों को बनाना, तोड़ना, करना जानता हो तो वो समझ सकता है कि हार्डवेयर को कैसे फिक्स करना है, कहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, कैसे हो सकता है। तो ये इस तरह की जो बारीक बारीक चीजें होती हैं, हम हर इन चीजों को बहुत डिटेल में जाकर हम अपनी रिपोर्ट में कवर अप करते हैं। हमारी इस रिपोर्ट का नाम भी है एका यूनिक। एका मतलब एक, द वन, ये बेसिकली एक लॉर्ड शिवा का सिनोनिम है। एका मतलब एक, द वन, बिकॉज वी ऑल आर यूनिक एंड वन, हमारे जैसा कोई और दूसरा ब्रह्मांड में नहीं है। तो आप सोचिए कि आप अगर दो आइडेंटिकल ट्विंस भी जो होते हैं वो भी कभी सेम फिंगरप्रिंट्स या सेम तरह के पैटर्न्स के साथ में पैदा नहीं होते हैं, उनकी भी दोनों की डीएनए में, ज्योमेट्री में डिफरेंसेस होते हैं और वेरिएशन होते हैं। फिंगरप्रिंट्स लेने के कितने टाइम बाद में रिपोर्ट जनरेट की जाती है? जैसे हम फिंगरप्रिंट लेते हैं तो हमारी टीम चाहे इंडिया में कहीं पे भी हो, तो हम तुरंत वहां से अपनी बैकएंड टीम को जो है अपने स्कैन्स पहुंचा सकते हैं, और लगभग 2 दिन के अंदर अंदर जो है ये रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। और उसके बाद में 1 से 2 दिन जो है हार्ड कॉपी कोरियर करी जाती है हर डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स में। हमारे इंडिया भर में बहुत सारे सेंटर्स हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल एसोसिएट्स हैं जो इस फील्ड में हमारे साथ में काम कर रहे हैं। तो हमें हर रीजन से, हर क्षेत्र से, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, हर जगह से हमें अलग अलग समय पे हमें स्कैन आते हैं, और लगभग 2 दिन का एक एवरेज टाइम होता है जिसमें हम लोग पूरा एनालिसिस करके, रिपोर्ट जनरेट करके हमारे बैकएंड ऑफिस से कोरियर हो जाता है। हमारा फर्दर टारगेट ये है कि हम इसको 1 दिन के अंदर अंदर लाना चाहते हैं। जैसा कि आजकल कोरोना काल चल रहा है तो इसके अंदर आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है? जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट विषय था हमारे लिए भी कि जब हमने, जैसे ही ये कोरोना का लॉकडाउन शुरू हुआ, ये आपत्ति आई पूरे संसार पे,
हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो गया था कि लोगों को समझाना कि हम कैसे स्कैन लेंगे, क्योंकि आज कोई भी व्यक्ति एक डिवाइस को टच करने से या किसी भी दूसरी चीज को टच करने से परहेज करते हैं, उनको डर लगता है या वो नहीं करना चाहते। तो इसलिए हम लोगों ने कोरोना को एज एन अपॉर्चुनिटी लेते हुए हमारी टीम ने एक नए दिशा में काम करना शुरू किया, और हम लोग ने रिसेंटली 24 जुलाई को हम लोगों ने अपना एक बहुत ही यूनिक और एक नई इनोवेशन को हमने लॉन्च किया, जो कि है वर्ल्ड फर्स्ट टचलेस फिंगरप्रिंट एप्लीकेशन। उसका नाम है यूनिक, UNIQ, यूनिक करके उस एप्लीकेशन का नाम है। और वो एप्लीकेशन इसलिए इतनी जबरदस्त है क्योंकि कोरोना के समय में जैसे हम बात कर रहे हैं कि एक दूसरे को छूने से, एक दूसरे के पास जाने से लोग परहेज कर रहे हैं, तो हमने एक ऐसी एप्लीकेशन बना दी जिससे हमारे साथ जो सहयोगी काम कर रहे हैं, हमारे हमारे जो ब्रांच सेंटर्स हैं या जो हमारे एसोसिएट्स हैं, उन सब लोगों को एक ऐसा टूल मिल जाए कि वो घर बैठे अपने कस्टमर्स के स्कैन ले सकते हैं, बहुत सरलता के साथ में उनको अपलोड कर सकते हैं, और वो स्कैन हमें विद इन 5 मिनट्स हमारे पास में वो पूरे स्कैन आ जाते हैं विद ऑल द डिटेल्स कि वो किस किस स्कैन हैं, कहाँ से आए हैं, कौन से क्षेत्र से मिले हैं, और उसके बेसिस पे हम रिपोर्ट जनरेट करके तुरंत उस रिपोर्ट को हम उनको वापस भेज देते हैं। और यहीं तक नहीं, हमने इस चीज को इस हद तक अब अचीव कर लिया है कि जहां पे हम कंप्लीट ऑनलाइन लेवल पे ही हम स्कैन लेने से लेके रिपोर्ट कंसल्टेशन करने तक का पूरा हम लोगों ने जो है एक कार्यक्रम सेट कर लिया है, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी इस फील्ड के लिए, क्योंकि इंडिया में आज से पहले किसी भी कंपनी ने इस तरह का कोई स्टेप नहीं लिया। तो CFMID इज वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज टू डू सच, एंड इट इज नॉट जस्ट कि हम ये सारा कुछ प्रेज लेना चाहते हैं, लेकिन पर्पस ये था कि इस फील्ड में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। मिस्टर आनंद शर्मा, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।